तिवारी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। शीतकालीन सत्र के आठवें दिन संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी, इसी बीच दर्शक दीर्घा से दो लोग सांसदों के बीच कूद पड़े। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने अपने हाथ में गैस की कैन ली हुई थी, जिससे पीला धुआं निकला। ये दोनों व्यक्ति कुछ नारे भी लगा रहे थे। दोनों को सदन में मौजूद सांसदों और सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर पीटा। दोनों का इरादा क्या था, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर से भी एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। इस मामले में पुलिस अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इस मामले में हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? क्या एक आम आदमी के लिए सदन के सबसे सुरक्षित हिस्से तक पहुंचना इतना आसान है? सबसे पहले ये कि सदन में एंट्री कैसे होती है। हमारे देश की संसद में कोई भी आम आदमी जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक सख्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दरअसल दो तरीके से संसद में एंट्री मिल सकती है। पहला तरीका यह है कि विजिट के लिए पास बनवाना होता है। इस तरह के पास से संसद के अंदर म्यूजियम वगैरह दिखाया जाता है। इसके अलावा संसद के अंदर एक विजिट तब होती है जब संसद में सत्र चल रहा होता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति संसद में जाकर लोकसभा की कार्रवाई को सीधे देख सकता है। लोकसभा की कार्रवाई को देखने के लिए लोकसभा के अंदर विजिटर गैलरी होती है। ये विजिटर गैलरी लोकसभा में बालकनी में बनी हुई होती है। यही ऊपर की तरफ आम लोग बैठते हैं। लोकसभा में एंट्री के लिए जो पास दिया जाता है वो सीमित वक्त का होता है, माने एक तय टाइम स्लॉट के लिए ही ये एंट्री पास मिलता है। स्लॉट के टाइम के मुताबिक ही आम लोगों की एंट्री होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पास लोकसभा की कार्यवाही देखने के लिए कैसे बनता है। लोकसभा में कार्यवाही देखने के लिए एक फॉर्म भरा जाता है। ये फॉर्म लोकसभा के रिसेप्शन ऑफिस या फिर लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट www.parliamentofindia.nic.in से मिलता है। इस फॉर्म के आवेदन में आपको अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, आपका व्यवसाय, लोकल और स्थायी पते जैसी जानकारियां देनी होती है। इसके बाद आवेदन के इस फॉर्म को किसी भी लोकसभा सांसद से वेरीफाई करवाना होता है। ये सांसद आपके संसदीय क्षेत्र से ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। पास तभी जारी होगा जब इसके फॉर्म पर सांसद के दस्तखत और मुहर लगी होगी। लोकसभा की दर्शक दीर्घा के लिए एक दिन के एडवांस पर ही पास बनाए जा सकते हैं। दर्शक दीर्घा में 10 साल से कम उम्र के बच्चों को एंट्री नहीं मिलती है और उपलब्ध सीटों के आधार पर कुछ ही घंटे के लिए ये पास दिया जाता है। पास के अलावा संसद का एजुकेशनल टूर भी कराया जाता है। इसमें बच्चों के लिए समूह को लोकसभा की कार्यवाही दिखाई जाती है। इसके लिए स्कूल या फिर शिक्षक संस्थान को किसी सांसद, लोकसभा स्पीकर या फिर लोकसभा के महासचिव से कॉन्टेक्ट करना होता है। सभी बच्चों की जानकारी पहले से ही दे दी जाती है, उसके बाद ही उनके लिए ये पास जारी होता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही।